चिटफंड कंपनी पल्स की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी, सीआईडी करेगी आरोपी की जांच। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित निवेशकों का हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं वह जागरण संवाददाता द्वारा। पूरी खबर पल्स एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएसएल की आड़ में उससे संबंधित करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों के माध्यम पदार्थ की तस्करी का आरोप लगा है। यह आरोप दिलीप कुमार मेहता, योगेश कुमार मेहता व देवेंद्र शाह आदि ने लगाया है। शिकायत के बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधक विभाग ने सीआईडी एडीजी व सीआईडी के आईजी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। उक्त मामले में जांच संबंधी रिपोर्ट भी मांगी गई है ताकि इसका ठोस निर्णय लिया जा सके। आगे खबर है कि शिकायतकर्ताओं ने सरकार को बताया कि पीएसएल से जुड़े ऐसे 5,000 से अधिक लोग कंपनी की आड़ में यह धंधा कर रहे हैं। इसमें मादक पदार्थों की उपज से लेकर तस्करी तक के मामले शामिल हैं। पीएसएल एंड चिटफंड कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल एक चिटफंड कंपनी है जो सभी जानते हैं। सेबी ने जब गड़बड़ी पकड़ी तो निवेशकों के रुपया भी लौटाने का आदेश हुआ था। तब बात सामने आई थी कि इस कंपनी में देश भर के 6 करोड़ निवेशकों के करीब 49,700 करोड़ रुपये जमा है। सेबी के आदेश पर भी सभी रुपयों को लौटाने का आदेश भी जारी हुआ था। अब एक नया मामला सामने आया जिसकी जांच के बाद खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जब बिगड़ी होती है तो बिगड़ी में 100 लोगों के इल्ज़ाम लग जाते हैं। तो इसी तरीके से 40 साल पुरानी एक ऐसी कंपनी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी और उस पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाने का मतलब साफ है कि ये सब हम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ अगर आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जाए